रिप्रोडक्शन इन एल्गी साइनोफाइसी क्लास में के संदर्भ में हम देखेंगे, ठीक है। साइनोफाइसी को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं या साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये नीले हरे रंग के शैवाल होते हैं। तो हमने एक वीडियो पहले ही देख चुका है, रिप्रोडक्शन इन एल्गी ओवरऑल वीडियो है। तो साइनोफाइसी में कैसा रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में देखते हैं ना। तो साइनोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया है ना। तो उसमें जो वेजिटेटिव या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वही इसमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें सेल डिवीजन के माध्यम से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं इसमें कई, तो वो क्या होता है, उनमें जब सेल डिवीजन होगा तो नए सेल्स बनेंगे, वो नए मेंबर भी होते हैं, ठीक है। वो एक, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से ही जीवित रह सकते हैं। तो इस तरीके सेल डिवीजन के माध्यम से यूनिसेलुलर एल्गी में प्रजनन हो सकता है, संख्या में वृद्धि हो सकती है। प्रजनन मतलब संख्या में वृद्धि करना अपना ना। फ्रेगमेंटेशन देखते हैं, ठीक है। ये फिलामेंटस जो शैवाल होते हैं, मतलब जिसमें एक सेल्स जो हैं एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, एक लंबा तंतु बनाते हैं, फिलामेंट बनाते हैं। तो यदि थैलस में क्या होता है, फिलामेंट्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है। और सभी टुकड़ों का अलग अलग थैलस के रूप में ग्रोथ करना, ठीक है, जिससे एक अलग अलग प्लांट्स बन जाएंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इस तरीके को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से भी संख्या में वृद्धि होती है शैवालों के, ठीक है। जैसे एक लंबा फिलामेंट था, वो तीन टुकड़े में टूटा, तीनों ग्रोथ करके अलग अलग फिलामेंट बना लिए, ठीक, तो नया प्लांट्स बन गए। साइनोबैक्टीरिया में या साइनोफाइसी के जो शैवाल हैं, इनमें हार्मोगोन्स ये तीसरा है। हार्मोगोन्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ थैलस होते हैं, ठीक है। तो थैलस इसमें जैसे फिलामेंटस थैलस है ऑसिलेटोरिया का, तो उसमें क्या हुआ कि बीच बीच में से सेल्स डेड हो गई, तो इसमें क्या बन गया, सेपरेशन डिस्क बन गया। क्या बन गया, सेपरेशन डिस्क बन गया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो 5-6 सेल्स लंबा एक विशेष स्ट्रक्चर बन जाता है, छोटा फिलामेंट ही है ये, ठीक है, छोटा टुकड़ा है तंतु का, तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोगोन्स कहते हैं। और ये फिर बाद में अलग हो जाते हैं सभी और ग्रोथ करके सेल ग्रोथ होगा, सेल डिवीजन होगा और नया फिलामेंट बना लेते हैं। तो इसके माध्यम से भी इसमें ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है। हार्मोगोन्स नॉस्टॉक में भी देखने को मिलते हैं, ये नॉस्टॉक है। तो नॉस्टॉक में ये टूट जाते हैं, नॉस्टॉक में हेट्रोसिस्ट नाम का एक संरचना पाया जाता है। ये इंटरकेलरी होता है, यानी फिलामेंट्स के बीच की कोई कोशिका हेट्रोसिस्ट के रूप में डेवलप होती है, तो वहाँ से ये टूटता है, ठीक है। तो ये हार्मोगोनिया बनाते हैं, तो नॉस्टॉक में भी देखने को मिलता है। ये 5-7 कोशिकाओं का लंबा हो सकता है, सेल्स का लंबा होता है, और ये फिर नए फिलामेंट के रूप में ग्रोथ कर सकते हैं। सेल डिवीजन होगा, ग्रोथ करके नया फिलामेंट बना लेंगे, ठीक है। हार्मोस्पोर्स, ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर देखने में मिलता है वेस्चिएला नाम के साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो इसमें हार्मोस्पोर कहते हैं, ये साइड ब्रांचिंग में टर्मिनल पोजिशन पर एक स्पोर नुमा संरचना बनता है, तो इसको हार्मोस्पोर कहते हैं। ये वेस्चिएला लेनोसा में देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें देखा गया है, तो इसको हार्मोस्पोर कहा गया है। एकाइनिड्स स्पेशल संरचनाएं होती हैं, ये थिक वॉल्ड रेजिस्टेंस सेल होती हैं, मतलब मोटी भित्ती वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, तो इन्हें एकाइनिड्स कहते हैं। और ये बहुत सारे शैवालों में देखने को मिलता है, हम साइनोफाइसी में देख रहे हैं, कई साइनोफाइसियन एल्गी में भी देखने को मिलता है, जो कि बाद में अंकुरित होकर नया फिलामेंट बना लेते हैं, ठीक है। ये फिलामेंट ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करेगा और नया पौधा तैयार हो जाएगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स दो प्रकार के देखने को मिले हैं, एंडोस्पोर एंड एक्जोस्पोर। एंडोस्पोर कब कहते हैं, जब ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर में स्पोर बनेंगे, ढेर सारे स्पोर बने हैं। तो एंडोस्पोर जो मिलता है ये डर्मोकार्पा नाम के
ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है, और एक्जोस्पोर जो है ये बाहर की ओर रिलीज होते जाते हैं, अंदर की ओर बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ मैच्योर नहीं है, इधर से मैच्योर होकर और बाहर निकलते जाते हैं, तो एक्जोस्पोर कहते हैं, बाहर की ओर चूँकि बनते हैं इसलिए इनको केमीसाइफोन का में पाया जाता है, एक्जोस्पोर कहा जाता है, और ये केमीसाइफोन नाम के ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता है, किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में, साइनोफाइसियन एल्गी में। इसमें न तो गैमेट्स देखने को मिला है, न जायगोट्स ही देखा गया है कभी भी, ठीक है। इनमें पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की घटना को ऑब्जर्व किया गया है, दो अलग अलग स्ट्रेन को साथ में ग्रो किया गया, तो देखा गया कि दोनों के कैरेक्टर एक ही जैसे कंबाइन हो गए, और दोनों के कैरेक्टर कंबाइन हो गए, मतलब वहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा दोनों स्ट्रेन के बीच में, एक ही स्पीसीज के दो स्ट्रेन हो सकते हैं ना एल्गी में, तो दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन की घटना को रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। परंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा होता है, आप जानते हैं कि मेल और फीमेल गैमिट बनता है, फिर जायगोट्स बनते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को आज तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है, किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में, साइनोफाइसी के मेंबर्स में, ठीक है। साइनोफाइसी के मेंबर जो प्रोकैरियोटिक होते हैं आप जानते हैं ना, और ये ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं, यानी नीले हरे शैवाल भी कहते हैं, इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं देखने को मिला है, परंतु जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का पता लगाया गया है, इसमें पाया जाता है ना। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी दो स्ट्रेन के बीच में जीन्स का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसको भी हम कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखा गया है, तो इसमें हम इतना ही देखते हैं। इसमें असेक्सुअल में दो टाइप के स्पोर देखा हमने, एंडोस्पोर और एक्जोस्पोर, और एकाइनिड्स, हार्मोस्पोर, हार्मोगोन्स, फ्रेगमेंटेशन है टुकड़े में टूट जाना, और सेल डिवीजन, ये वेजिटेटिव मेथड में देखा। तो साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी में ये रिप्रोडक्शन के तरीके हैं, तो इसमें इतना ही देखते हैं।